Hello dear students, good morning. Today we will start lesson number 4, formatting in MS Word. तो बेटा आज हम lesson number 4 practical करेंगे. अब lesson number 4 कौन सा है बेटा हमारा? MS Word. कि MS Word के अंदर हम formatting कैसे करते हैं. तो बेटा सबसे पहले एमएस वर्ड की फाइल को आपको कंप्यूटर में ओपन करनी आनी चाहिए. लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एमएस वर्ड की फाइल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको. तो बेटा यहां से हम कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. सबसे नीचे देखो बेटा, अब स्टार्ट बटन पर देखो बेटा, आप यहां पर क्या लिखा है, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल. क्या लिखा है बेटा? सर्च प्रोग्राम एंड फाइल. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? WinWord, WinWord. जैसे ही बेटा मैंने WinWord लिखा है, देखो आपके सामने क्या, कौन सी फाइल आ गई है? MS Word की. अब बेटा यहां पे क्लिक कर दो, देखो अब आपके सामने बेटा कौन सी फाइल ओपन होके आ गई है? MS Word की फाइल ओपन होके आ गई है. अब इसके अंदर मैं कोई भी नेम राइट कर लेता हूं. यहां पर सपोज करते हैं मैं यहां पे आकाश लिख लेता हूं. ओके बेटा, अब मुझे क्या करना है, फर्स्टली जो आकाश नेम राइट किया है, मुझे इसका जो साइज है ना वो थोड़ा बड़ा करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं. मैटर को सिलेक्ट करने की बेटा मैंने शॉर्ट कमांड आपको लिखवाई थी, Ctrl+A. Ctrl+A का यूज करके हम डेटा को क्या कर सकते हैं बेटा? सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अब हमें यहाँ पर नाम को क्या करना है? बड़ा करना है. तो बड़ा करने के बेटा हमारे पास यहाँ पे दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है, जहां पर बेटा यहाँ पर देखो, जहां पर आपको 11 शो हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्लिक करो. अब देखो ऊपर लिखे 8, 9, 10, 11. यदि आप ऊपर वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो साइज आपका क्या हो रहा है बेटा? छोटा हो रहा है. और यदि नीचे वाले पे लेके जा रहे हैं तो साइज आपका क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है. ओके, दोबारा से देखिए बेटा, यदि हम माउस का क्लिक ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो बेटा साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है. और यदि माउस का क्लिक कहां प्रेस कर रहे हैं? नीचे प्रेस करें तो साइज क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया. ओके, सेकंड इधर देखो, एक तो आपके पास देखो बेटा कैपिटल ए है, एक आपके पास है स्मॉल ए. यदि मैं यहां पे स्मॉल ए पे क्लिक करता हूं तो फॉन्ट का साइज बेटा आपका क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है. और यदि मैं बड़े ए पे क्लिक करता हूं तो फॉन्ट का साइज बेटा मेरा क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है. ओके, तो इस ए को हम कहते हैं बेटा डेटा इंक्रीमेंट, मतलब किसी भी मैटर का साइज बड़ा करना. और इसे हम स्मॉल ए को कहेंगे बेटा डेटा डिक्रीमेंट. ओके, अब नेक्स्ट बेटा, यदि हमें किसी भी फॉन्ट का या किसी भी मैटर का जो स्टाइल है वो चेंज करना है, तो वो चेंज कैसे करेंगे? जहां पर बेटा एक लाइब्रेरी लिखा हुआ है, यहां पर जाते हैं हम. सपोज करिए कि मुझे किसी भी स्टाइल में इस मैटर को लेना है, एरियल में लेना है, तो एरियल पे जाके क्लिक कर देंगे. टाइम्स न्यू रोमन में लेना है तो टाइम्स न्यू रोमन पर क्लिक कर देंगे. ओके बेटा, नेक्स्ट है, अब यदि हमें डेटा को बोल्ड करना हो तो बोल्ड कैसे करेंगे? यहां से मैंने मैटर को सिलेक्ट किया और बी पर क्लिक कर देंगे. ओके, और बोल्ड करने की बेटा शॉर्ट कमांड भी होती है हमारी. शॉर्ट कमांड क्या होती है? कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर देंगे. देखिए कंट्रोल के साथ बेटा क्या प्रेस कर देंगे? बी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा डाटा क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा. यदि हमें डाटा को इटैलिक करना है तो कंट्रोल के साथ बेटा क्या प्रेस कर देंगे? आई प्रेस कर देंगे. देखिए जैसे मैंने आई प्रेस किया, डाटा मेरा क्या हो गया? इटैलिक, मींस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है. ओके, यदि वापस उसी फॉर्म में आपने लेके आना है तो कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर दीजिए. अब यदि हमें डाटा को क्या करना है बेटा? अंडरलाइन करना है. क्या करना है? अंडरलाइन करना है. तो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? Ctrl+U कमांड का यूज करेंगे बेटा. किसका यूज करेंगे? कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस किए. जैसे मैंने कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस किया, देखो बेटा नेम के नीचे क्या आ गई है? अंडरलाइन. अब देखिए यदि मुझे डबल अंडरलाइन लेनी है तो हम क्या करेंगे? यू के नीचे जाएंगे और डबल पर क्लिक कर देंगे. देखो बेटा
नेम के नीचे क्या आ गई है, डबल लाइन आ गई है। ओके, तो यहां से हमने अब क्या सीखा है कि डेटा को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं और अंडरलाइन कैसे करते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है चेंज केस। कौन सा ऑप्शन है बेटा, चेंज केस। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं यहां पर एक मैटर ले लेता हूं। मैटर को राइट करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला राइट कीजिए आप नोटबुक में, इज इक्वल टू आर ए एन डी, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद देन एंटर। अब जो मैटर बेटा मैंने यहाँ पे राइट किया, देखो कितने बड़े बड़े इसके जो वर्ड है वो आ गए। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो बेटा ओके, अब यहां पर देखो बेटा हमारे पास जो कुछ मैटर है वो स्मॉल में है, कुछ कैपिटल्स में लिखा हुआ है, ऐसे है। तो मैं चाहता हूं कि सारा का सारा मैटर बेटा किस में आ जाए, स्मॉल में आ जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेंटेंस केस का। देखो कहां पर जाएंगे बेटा हम, जहां पर ये आपके पास देखो डबल ए दिख रहा है, एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है, उसके नीचे देखो बेटा लिखा हुआ है चेंज केस, लिखा हुआ ना चेंज केस। अब चेंज केस के अंदर हम जाएंगे, देखो सेंटेंस केस आ गया ना। अब सेंटेंस केस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले हमें जो डाटा लिखा उसको क्या करना है, स्मॉल में लेके आना है। तो स्मॉल में लेके आने के हम क्या करेंगे, लोअर पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट तो करेंगे ना बेटा, हम मैटर को सिलेक्ट करने के लिए हम देखो, उसके बाद फिर मैं चेंज केस में गया। अब यहां पर किस पे क्लिक कर देंगे, लोअर पर। देखो बेटा सारा का सारा डाटा मेरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्मॉल में। यदि मुझे इसी डाटा को किसमें क्लिक करना है, प्रेस करना है, अपर में, तो अपर पे प्रेस कर दो। ओके, अब सेंटेंस केस क्या होता है बेटा, यदि किसी भी लाइन का फर्स्ट करेक्टर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट करेक्टर बड़ा और बाकी करेक्टर यदि हमें छोटे रखने हैं तो किसका यूज करेंगे बेटा हम, सेंटेंस केस का। ओके, करके देखते हैं। दोबारा से देखते हैं बेटा, इज इक्वल टू आर ए एन डी, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद देन एंटर। अब यहां से देखो मैटर को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, स्मॉल में। ओके, फिर क्या करेंगे बेटा, कैपिटल में, अपर में। अब सेंटेंस केस की टर्न आती है, देखो हो गया ना बेटा, किसी भी लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट करेक्टर क्या हो गया हमारे पास, ओ कैपिटल, यानी कि ओ क्या हो गया बेटा, कैपिटल। और थोड़ी देर पहले क्या था आपके पास, अब स्मॉल है, अब पूरा का पूरा क्या है, कैपिटल है। और सेंटेंस पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं क्या हो रहा है, किसी भी लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट करेक्टर बेटा क्या है यहां पर, कैपिटल है। ओके, अब नेक्स्ट बेटा यदि हमें इसी मैटर को यदि कलर करना है तो कलर कैसे करेंगे हम, देखिए यहां पर आपके पास जो ये ए का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस ए को हम कहते हैं बेटा फॉन्ट कलर। क्या कहेंगे बेटा, फॉन्ट कलर। यदि किसी भी मैटर जो आपने टाइप किया है उसको कलर करना है तो यहां पर क्लिक करते हैं और रेड पर क्लिक कर देता हूं। देखिए पूरा का पूरा मैटर आपका बेटा क्या हो गया है, रेड हो गया है। यदि आपको कोई और कलर करना है तो मैटर को सिलेक्ट कीजिए, इसका वी पर क्लिक कीजिए और येलो पर प्रेस कर दीजिए। ओके, तो इस ए को हम बेटा क्या कहते हैं, फॉन्ट कलर। अब यदि हमें मैटर को डिलीट करना है तो क्या करेंगे बेटा, डिलीट कमांड का यूज करेंगे। किस कमांड का यूज करेंगे बेटा, डिलीट कमांड का। अब यदि मुझे इस मैटर को डिलीट करना है तो देखो आपके कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करेंगे बेटा, डिलीट कमांड का। ओके, तो बेटा जो हमारे लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई और लाइन स्पेसिंग, ये फोर ऑप्शन को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने बेटा किन किन ऑप्शंस को प्रैक्टिकल करके देखना आज, कि डाटा का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, डाटा को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, डाटा को बोल्ड कैसे करते हैं,
डेटा को इटैलिक कैसे करते हैं, डेटा को अंडरलाइन कैसे करते हैं, डेटा को चेंज केस में कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, और डेटा को कलर कैसे करते हैं। ओके बेटा, तो बेटा जिन ऑप्शंस को आज हमने प्रैक्टिकल करना सीखा है, इन ऑप्शंस को बेटा आपने प्रैक्टिकल करना है। ओके बेटा, ओके।